तो फील गेम फैमिली, क्योंकि कल 7:30 बजे रोमन वर्सेस रॉकी होने वाला है, इसलिए आज ये दोनों टीम अप करके 3-on-2 हैंडीकैप मैच में फाइट करेंगे। और आज ट्विस्ट ये है कि मैं बनाऊं भाई रोमन और रॉकी, यानी कि आज आपका अरमान भाई खेलने वाला है गेम। तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए 3-on-2 एलिमिनेशन मैच। और मेरे खुद के लिए ये चैलेंज है कि रोमन और रॉकी में से दोनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉकआउट भी ऑन है भाई इस मैच के अंदर, यानी कि अगर मैं भी ज्यादा पिट गया तो एलिमिनेट हो जाऊंगा। तो कोशिश करना है दोनों ही एलिमिनेट नहीं हो। रूल्स सब वही पुराने वाले हैं, लेकिन बस मजा ये है कि आज मैं खेलूंगा और रोमन और रॉकी दोनों को जिताऊंगा। तो चलो भाई आज का गेम प्ले स्टार्ट होने जा रहा है, और तब तक फील गेम फैमिली वीडियो को लाइक कर लो, नहीं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लो और फील गेम फैमिली के मेंबर बन जाओ। और भाई कल के लिए तो आप लोग तैयारी हो, कल शाम 7:30 बजे लाइव रोमन वर्सेस रॉकी, तो आपको देखना है कि जियो सो का क्या हाल होगा। अगर रोमन को गलती से भी धोखा दिया तो अभी देख लो आप लोग, 3-3 फिनिशर है सबके पास। नॉकआउट का मुझे खास ख्याल रखना है, पिनफॉल तो मेरा होने नहीं जा रहा है, लेकिन नॉकआउट मेरा भी हो सकता है, तो इससे पिटना नहीं है, फिनिशर किसी का खाना नहीं है। रॉकी साइड में खड़ा होकर देख रहा है कि आज तो दोस्ती है, कल भाई खतरनाक होने वाला है। लात मारेगी, इसकी सजा मिलेगी, इसको इसकी सजा मिलेगी, डायरेक्ट गिलिटीन, उससे नीचे बात नहीं होगी। मिली ना सजा, इतनी जल्दी टैप आउट नहीं करने वाला है, पिट गया है लेकिन अभी टैप आउट नहीं करेगा, दो फिनिशर और लगेंगे। जो उस ब्लडलाइन की लीडर है, मारने की गलती भी मत करना वरना और पिटेगा। अभी देखा ना क्या हाल हुआ, फिर समझा रहा हूं तो सुनता ही नहीं है, फिर इसको पड़ेगी। मैं समझ गया, सिग्नेचर आने दे, मुंह पे ऐसा उड़ के सुपरमैन पंच मारूंगा ना। आई थिंक ये वाले रोमन के पास ना कॉर्नर फिनिशर है, जिमी उसे आ रहा है, भागा। ऐसे पीटना तो सभी को है क्योंकि एलिमिनेशन मैच है, अब तू भी पीटेगा, इसको भी सजा मिलेगी, गिलिटीन आते के साथ गिलिटीन से स्वागत। सैमी अगला नंबर तेरा है, टैप आउट ये भी नहीं करेगा। रॉकी को भी टैग दूंगा, एक बार तीनों को बजाने दो ना, उसके बाद रॉकी को टैग दिया जाएगा। रॉकी भी खेलेगा, टेंशन मत लो, मैं ही बनूंगा रॉकी भी। डबल टीम अप, ओहो हो, मेरे ऊपर डबल टीम अप। उसोस, अगर दोनों धोखा दे देंगे ना रोमन को तो कुछ ऐसा ही सीन होगा, लेकिन दोनों को फिर पिटना ही है बाद में, जैसे अभी पिटने वाले हैं ये लोग। मारने मारने, पैर पे मारा है मेरे। सैमी अच्छा आदमी, देखना सैमी ऐसा नहीं करेगा, सैमी रोमन का ज्यादा खास है। जे उसो सुपरमैन पंच के साथ साथ गिलेटिन इस बारी पड़ेगा इसको। अरे पिनफॉल नहीं होगा यार, मार तो लेटा इससे पहले, फिनिशर तो दे दे कम से कम। सिग्नेचर आ चुका है मेरे पास, इसके पास भी 3-3 फिनिशर है। अब पिटेगा तू, तेरा नंबर आ गया है, बोला था खा गिलिटीन, छीन लिया भाई, छीन लिया मेरा गिलिटीन, मेरा फिनिशर छीन लिया इसने, सुपरमैन पंच छीन के दिखा। सबसे पहले लगता है जे उसो ही एलिमिनेट होने वाला है। रॉकी को टैग दूंगा, एक और फिनिशर बस अपना यूज कर लू, उसके बाद रॉकी को टैग दे दूंगा। लगा नहीं, मिस कर गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। रोमन रिंग से चढ़ के जल्दी कूदते नहीं है, इसलिए ये सब गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है रोमन। नहीं नहीं, ये फिनिशर नहीं, ये गिलिटीन ही है, अभी नहीं। सैमी जेन के लिए बचा के रखा है गिलिटीन, सैमी को टैग मिल जाए तब ना जा, अरे सैमी को जाना टैग देने, अब जा अब जा, इतना मार खा गया, जा सैमी को देना, सैमी को, अरे वाह भाई, अब इसका भी स्वागत होगा गिलिटीन से। आ जा सैमी, मुझे लगा था तू भाई वफादार है, ये भी बदमाशी निकला, बहुत बढ़िया। अब रॉकी का भी आने का टाइम हो गया, ये ले, और रॉकी आने के लिए तैयार रहो। ऐसे भी मैं टैप आउट नहीं करवा रहा था, ये करने वाला भी नहीं था, इतनी जल्दी टैप आउट नहीं करता। फालतू का आ गया जीपी उसको बचाने के लिए। रॉकी, सैमी जेन को अब जाने नहीं देना, इतना मारूंगा ना सैमी जेन को, इसी का फर्स्ट एलिमिनेशन किया जाए, बहुत खेल लिया इनके साथ। टैप आउट नहीं करेगा, लेकिन अच्छा खासा पिट गया। रोमन रॉकी दोनों के पास सबमिशन भाई, कल तो खतरनाक मजा आएगा। जी उसको बाहर जा, बाहर जा, इंटरफेयर मत कर। अच्छा बाहर नहीं, क्या पिट ही के जाएगा, मैं समझ गया, बाहर जाने बोल रहा हूं, जी उसको नहीं जाएगा, ठीक है, जी उसको बाहर भेजता हूं मैं। ओहो फिनिशर, डॉच कर गया फिनिशर से, रॉकी को मारने की सोच रहा भाई, बहुत बड़ी गलती है, इससे तो मैंने अपना पूरा करियर बनाया है 2K22 में और भी पुराने गेम्स में भी, इसको मारने का तो भूल ही जा, कोई मूव नहीं चलेगा रॉकी के ऊपर। जेउसो जा रहा नहीं है ना, आप बताता हूँ जेउसो को मैं, दो फिनिशर है ना, एक तू ही खा,
बोल रहा था चला जा सुनता नहीं है। सर ऑरेंज हो गया, अब निकल, अभी भी नहीं जा रहा है। क्या है भाई ये, कितना मार खाएगा। सैमी को मुझे पहले एलिमिनेट करना है। सैमी को तो मैं फिनिशर देने भी नहीं दूंगा, मुझे हलवा खाने का कोई शौक नहीं है। हेलुवा किक मारने चलेगा, हट जे उसो, बाहर नहीं जा रहा है इसको, अब मैं बाहर ठेलने वाला हूं। अब मेरा ये मूड खराब कर रहा है जे उसो, यहां आना ना दोबारा, अब जाना भाई। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ है तो इसका ऐसे फायदा उठाओगे, 2-on-3 तो ऐसे ही है। सैमी बस अब तब पे, रोमन को बुलाना नहीं पड़ेगा सैमी जिन को एलिमिनेट करने के लिए। सैमी मैंने बोला यार, रॉकी को नहीं मार सकता है, फिनिशर छीनिया मनुज ने, लेकिन कोई बात नहीं। मार ही नहीं पा रहा रॉकी को, कोई मूव चलेगा नहीं भाई तेरा। हेलुआ किक मारने जा रहा था, अब टाटा कर और घर जा टाटा। पहला एलिमिनेशन सैमी जेन, रोमन को भी टैग दूंगा, पहले एक और आदमी आ जाए। अच्छा जे उसू लीगल आदमी है, रिंग काउंट मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने 5 ही रखा है। अंदर जाना ज्यादा सेफ है, जे उसू अंदर आ जाए। रोमन को टैग देने जा रहा था लेकिन टैग देने का ऑप्शन आया नहीं। सेकंड एलिमिनेशन लगता है जे उसू को होने वाला है। रोमन, मैं रोमन को फिर टैग देने जा रहा था, बीच में आ गया जे उसू। मत कर जे उसो, मत कर, तो एलिमिनेट हो ही कि मानेगा जे उसो, ठीक है, बोलना मत कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। सिग्नेचर खाने के लिए तैयार भाई, रॉकी का सिग्नेचर फिनिशर चेंज किया जाए, कमेंट करके बताना अगर चेंज करना है तो, और चेंज करना है तो क्या रख सकते हैं ये भी कमेंट करके आप बता सकते हो। रोमन, नेक्स्ट एलिमिनेशन रोमन को करना चाहिए स्टोरी लाइन के हिसाब से। जेउसू की इतनी सी हेल्थ बची हुई है लेकिन काम खत्म नहीं हो रहे हैं, बस सिग्नेचर आने वाला है जेउसू मेरा, इसका कांड होने वाला है, मैं समझ गया था। सुप्लेक्स देगा, ग्लिटिन का टाटा बोल घर जा। अरे रेफरी ने बेल बजाया, ये एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ? ओ भाई ये चीटिंग है, ये लीगल आदमी है ना, आई थिंक लीगल आदमी है भैया। रेफरी ठीक से देखा कर, बड़ा गंदा ग्लिच है ये, एलिमिनेट भी नहीं हो रहा, नॉकआउट भी नहीं हो रहा है, पिनफॉल करवाया जाए इसका, लेकिन पहले जिमी उसो को नीचे भेजना होगा। रेफरी बिक गया है क्या ब्लड लाइन के हाथों? रोमन के हाथों बिकना चाहिए था, अगर बिकना ही था तो। रेफरी ने पैसे खाए, इसको बाद में बताता हूं रेफरी को। रॉकी फिनिशर दे दो जाकर, खत्म कर मैटर, फिर जिमी उसो को देखा जाएगा। चल टाटा बोल जे उसो घर जा, इसके बाद भी नॉकआउट नहीं होता, मैं रेफरी को इस बार मारने जा रहा था। अच्छा तेरे को डॉज आता है, मेरे को नहीं आता है क्या? आ रहा हूं मैं। ओ भाई गलती कर दी मैंने, मैं भूल गया था कैच फिनिशर, सुपर किक मार दिया, कोई बात नहीं, ठीक है एक ही फिनिशर दिया है, अब इसके बाद ऐसे भी दे नहीं पाएगा। रोमन बचाने आ गए थे, अच्छा लगा, लेकिन कल बचाने नहीं आएंगे रोमन, अब इसको सजा मिलनी चाहिए, और इसकी सजा यही है कमेंट्री टेबल। भले ही रिंग काउंट ऑन है लेकिन कमेंट्री टेबल इसके ऊपर टूटना चाहिए, क्या बोलते हो? ये तो हो ही जाए, लेकिन फिनिशर दोनों ही के पास नहीं है, ना रोमन के पास है ना रॉकी के पास है, और रॉकी को क्योंकि सुपर किक मारा है इसलिए अब तो रॉकी तोड़ेगा टेबल। उसके बाद अगर ये इसके अंदर कुछ जान बची तो बची कुछ ही काम, रोमन खत्म कर देंगे। आज जी म्यूसो सिग्नेचर इसका, ये अपना देना, इसका छीन लूं मैं, लेकिन अपना सिग्नेचर दे ही नहीं रहा है। ये बॉडी देख और नीचे आ जा। जियो और सैमी जेन का मेरे से बदला लेने आया, अरे चुपचाप से पेट टेबल तोड़वा। 5 है या 10 है मेरे को याद नहीं आ रहा है भाई, लेकिन मेरी आदत हो गई रिंग काउंट 5 रखने की, तो शायद 5 ही होगा। इसके बाद मैं अंदर चले जाऊंगा सिग्नेचर देने के बाद। जल्दी जल्दी रॉकी, जीत तो जाऊंगा मैच लेकिन मैं नहीं चाहता। हाँ बाहर जाओ, टेबल जब तक टूटेगा नहीं तब तक तू हारेगा नहीं, मेरा फिनिशर मत छीनना वरना रोमन को भेजना होगा। फिर इतना टाइम नहीं है, टेबल तोड़वा चुपचाप से। गिनती चालू हो गई, थोड़ा जल्दी रॉकी। चलो भाई अपना काम हो गया, टेबल टूट गया, रिवर्स भी नहीं किया इसने, अब रोमन को टैग दिया जाए। अगर इसके अंदर जान बची होगी इसके बाद तो रोमन तो कांड कर ही देंगे। रोमन मैं आ रहा हूं, आज भर के लिए सिर्फ दोस्ती, एक दिन के लिए
चलो रोमन स्टाइल मारो, खड़े होकर रिंग के अंदर, अगर गलती से आया इसी मुक्के से मारूंगा मैं। जिमी उसे आ रहा है क्या? उठने लगा, आजा। 5-ही था देखा, ओ भाई अच्छा किया रॉकी अंदर आ गया था, वरना कांड हो जाता। तो आज रोमन और रॉकी की दोस्ती ने आराम से मैच जीतवा दिया, बहुत ही आराम से, 2-on-3 हैंडीकैप मैच। तो आज तो दोस्ती है, कल खतरनाक दुश्मनी होने वाली है। तो कल 7:30 बजे आ जाना भाई सब लोग लाइव शाम में, और मैं मिलता हूँ कल। ख्याल रखो, सेफ रहो, वीडियो को लाइक कर लेना और नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।